अगर 7 दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़े गड्ढे नहीं बुझाए गए तो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पे किया जाएगा रास्ता रोको आंदोलन। वर्धा जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित साफले इनका इशारा है। कई दिनों से गड्ढे गिरने के कारण हिंगनघाट नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर कई दुर्घटनाएं हो रही है, जिस वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे और नुकसान भी हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हिंगनघाट विधानसभा युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अमित साफले के नेतृत्व में दारोड़ा टोल प्लाजा गए और प्रबंधक चौहान और रखरखाव प्रभारी उबरकर को एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन को देने के बाद यदि 7 दिनों के भीतर काम पूरा नहीं हुआ तो टोल रोड बंद कर दिए जाएंगे। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष नकुल भाई मारे, विधानसभा उपाध्यक्ष पंकज पाके, विधानसभा महासचिव श्रीकांत देव पंदीवार, सचिव शैलेश मेन, समुद्रपुर तहसील के अध्यक्ष गौरव कुरकुड़े, हिंगनघाट तहसील के उपाध्यक्ष नितेश घुबड़े, हिंगनघाट शहर के अध्यक्ष अंकुश कुचनवार, सोशल मीडिया अध्यक्ष गौरव डोकरा इस समय उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।